नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में 12 कैबिनेट मंत्रियों के नाम तय हो चुके हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है राजनाथ सिंह। इनको गृह मंत्रालय दिया जा सकता है। बीजेपी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद राजनाथ सिंह ही सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल यानी 2014 में भी राजनाथ सिंह को ही गृह मंत्री बनाया गया था और 2024 में भी राजनाथ का गृह मंत्री बनना लगभग तय है। और इस लिस्ट में अगला नाम है पेमा सानी चंद्रशेखर। इनको वित्त मंत्रालय दिया जा सकता है। पेमा सानी वर्तमान में भारत के सबसे अमीर सांसद हैं। बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी दल तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू पेमा सानी चंद्रशेखर को बड़ा मंत्रालय दिला सकते हैं। इसलिए ये माना जा रहा है कि चंद्रशेखर पेमा सानी का वित्त मंत्री बनना लगभग तय है। और इस लिस्ट में अगला नाम है शिवराज सिंह चौहान। इनको कृषि मंत्रालय दिया जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब 2024 में शिवराज सिंह चौहान का सांसद बनने के बाद केंद्र में मंत्री बनना तय है। इसलिए ये माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। और इस लिस्ट में अगला नाम है अजय भट्ट। इनको विदेश मंत्रालय दिया जा सकता है। अजय भट्ट उत्तराखंड की बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उत्तराखंड में बीजेपी के बड़े चेहरे अजय भट्ट को बड़ा मंत्रालय दिया जाना तय है। इसलिए ये माना जा रहा है कि अजय भट्ट विदेश मंत्री बनाए जा सकते हैं। और इस लिस्ट में अगला नाम है सर्वानंद सोनोवाल। इनको शिक्षा मंत्रालय दिया जा सकता है। सर्वानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री जैसे बड़े पदों पर रह चुके हैं। 2021 में सर्वानंद सोनोवाल को असम के मुख्यमंत्री से हटाकर राज्यसभा भेजा गया था, जिसके बाद सर्वानंद सोनोवाल को केंद्र सरकार में मंत्री भी बनाया गया था। इसलिए अब ये माना जा रहा है कि सर्वानंद सोनोवाल को शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। और इस लिस्ट में अगला नाम है डॉक्टर महेश शर्मा। इनको चिकित्सा मंत्रालय दिया जा सकता है। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में बड़े अंतराल से चुनाव जीतने वाले डॉक्टर महेश शर्मा को केंद्र में मंत्री जरूर बनाया जाएगा। इसलिए ये माना जा रहा है कि डॉक्टर महेश शर्मा को चिकित्सा मंत्री बनाया जा सकता है। और इस लिस्ट में अगला नाम है नितिन गडकरी। इनको ट्रांसपोर्ट मंत्रालय दिया जा सकता है। बीजेपी के जाने पहचाने चेहरे नितिन गडकरी को मोदी के दूसरे कार्यकाल में भी ट्रांसपोर्ट मंत्रालय दिया गया था और अब 2024 में भी ये माना जा रहा है कि नितिन गडकरी को एक बार फिर ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ही दिया जाएगा। और इस लिस्ट में अगला नाम है ललन सिंह। इनको रेल मंत्रालय दिया जा सकता है। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके ललन सिंह को मोदी सरकार में मंत्री जरूर बनाया जाएगा और 2024 में ये माना जा रहा है कि ललन सिंह का रेल मंत्री बनना लगभग तय है। और इस लिस्ट में अगला नाम है मनोहर लाल खट्टर। इनको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया जा सकता है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर लोकसभा चुनाव लड़ाया है और 2024 में ये माना जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर को सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया जा सकता है। और इस लिस्ट में अगला नाम है वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी। इनको कॉमर्स मंत्रालय दिया जा सकता है। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी के वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी को भी मोदी सरकार में बड़ा पद जरूर दिया जाएगा और 2024 में ये माना जा रहा है कि वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी को कॉमर्स मंत्रालय दिया जा सकता है। और इस लिस्ट में अगला नाम है पीयूष गोयल। इनको पेट्रोलियम मंत्रालय दिया जा सकता है। पीयूष गोयल भी बीजेपी का जाना पहचाना चेहरा है, जो पहले भी कई बार केंद्र सरकार में मंत्री बन चुका है और 2024 में ये माना जा रहा है कि पीयूष गोयल को पेट्रोलियम मंत्री बनाया जा सकता है। और इस लिस्ट में अगला नाम है अमित शाह। इनको रक्षा मंत्रालय दिया जा सकता है। बीजेपी के सीनियर लीडर और राजनीति के चाणक्य अमित शाह का मंत्री बनना तो तय है, लेकिन इस बार अमित शाह का गृह मंत्री बनना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बीजेपी के सहयोगी दल इनको गृह मंत्री बनाने से नाराज हो सकते हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की भी ये मांग थी कि अमित शाह को गृह मंत्री नहीं बनाया जाए। इसलिए ये माना जा रहा है कि अमित शाह को रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन आपके अनुसार अब की बार 2024 में गृह मंत्री किसको बनाया जाएगा कमेंट करके जरूर बताएं।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल मीना की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।